एक लावारिस बच्चे की तरह हमें दरवाजे पर छोड़ दिया गया था, बिना ये बताए कि हम कहां से आए थे, हम कौन हैं, और हमारा ये ब्रह्मांड कैसे बना। ना ही हमें ये पता था कि कॉस्मोस में अपने अकेलेपन को कैसे दूर करें। ये सब कुछ हमें खुद ही पता करना था। शुरू से ही हमें एक बात का फायदा हुआ, हमारी इंटेलिजेंस का, खासकर पैटर्न पहचानने की हमारी काबिलियत का, जो विकास के लंबे दौर में और तेज होती गई। जो लोग शिकार और शिकारी को देखने में माहिर थे, जहरीले और काम के पौधों में फर्क कर सकते थे, वो जिंदा रहकर संतान पैदा कर सकते थे। वो जिंदा रहे और उन्होंने पैटर्न पहचानने वाले जीन्स को आगे पहुंचाया, जिसके फायदे भी हुए। दुनिया की तमाम सभ्यताओं ने आसमान में एक जैसे ही तारे देखे, मगर सबने उनमें अलग तस्वीरें देखी। कुदरती पैटर्न्स को पहचानने की काबिलियत का इस्तेमाल हमने आसमान में बने कैलेंडर को पढ़ने में किया। तारों से लिखे इन संदेशों ने हमारे पूर्वजों को बताया कब किस जगह रुकना है, कब बढ़ना है, कब जानवरों के झुंड गुजरेंगे और कब बारिश या सर्दियां आएंगी और वो कितनी देर रहेंगी। जब उन्होंने देखा कि तारों की गति और पृथ्वी पर मौसम के बदलावों में एक सीधा संबंध है, तो जाहिर है उन्हें यही लगा कि ऊपर आसमान में जो भी होता है उसका असर नीचे धरती पर पड़ता है। और ये तो होना ही था। उन लोगों के लिए आसमान एक कैलेंडर की तरह था, इसलिए उसमें होने वाली हलचलों को देखकर वो अगर अंदाजे ना लगाते तो और क्या करते। लिए हमेशा खूबसूरत नजर आने वाले आसमान में अचानक से एक धूमकेतु आता हुआ दिखा तो उन्होंने कुछ और मतलब निकाला। उनकी क्या गलती थी? उस वक्त इतनी समझ नहीं थी जिससे पता चलता कि धूमकेतु क्या थे। तब तो किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पृथ्वी एक झुकी हुई धुरी पर गोल घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। हर पुरानी सभ्यता ने ठीक एक जैसी गलती की। धूमकेतु देवताओं या किसी एक खास देवता का भेजा हुआ संदेश है, और तकरीबन हमारे सारे पूर्वजों ने यही समझा इनका दिखना अशुभ है। बात चाहे पुराने एस्टेक लोगों की हो, एंग्लो सैक्सन, बेबिलोनियन या हिंदुओं की, सबने धूमकेतुओं को बर्बादी लाने वाला ही समझा। फर्क सिर्फ ये समझने में था कि बर्बादी कैसी होगी। वैसे भी डिसएस्टर शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब है बुरा तारा। पूर्वी अफ्रीका के मसाई लोग धूमकेतु को अकाल से जोड़ते थे, तो दक्षिण के जूलू जंग से। पश्चिम के इगहैप लोगों के लिए धूमकेतु का मतलब था बीमारी। जाहिर के जागा इसे खास तौर पर स्मॉल पॉक्स लाने वाला मानते थे। उनके पड़ोसी लूबा के मुताबिक धूमकेतु का मतलब उनके नेता की मौत की भविष्यवाणी था। पुराने चीन के लोगों ने इसका सिलसिलेवार हिसाब रखा। करीब 1400 बीसी की शुरुआत से उन्होंने धूमकेतु दिखने की घटनाओं का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। तीन पूंछ वाले धूमकेतु का मतलब था देश के लिए खतरा। चार पूंछ वाले धूमकेतु का मतलब था महामारी आने वाली है। पैटर्न पहचानने की इंसान की काबिलियत दुधारी तलवार की तरह है। हम उन चीजों में भी पैटर्न ढूंढ लेते हैं जिनमें पैटर्न होता तक नहीं। इसे फॉल्स पैटर्न रिकग्निशन कहते हैं। हम मतलब तलाशते रहते हैं, और ऐसे संकेत भी जिनसे लगे कि ब्रह्मांड में हमारा एक खास वजूद है। इसीलिए हम बिना झिझके खुद को और दूसरों को धोखा दे देते हैं। कभी हमें ग्रिल्ड चीज सैंडविच में कोई पवित्र तस्वीर दिखती है, तो कभी धूमकेतु में कोई भविष्यवाणी। आज हमें पता है धूमकेतु कहां से आते हैं और किस चीज से बने होते हैं। हमारा कल्पनाओं का अंतरिक्ष विज्ञान और चमत्कार दोनों के जरिए चलता है, और ये हमें स्पेस और टाइम में कहीं भी ले जा सकता है। ये प्रकाश से भी तेज चलता है और वो चीजें भी दिखा सकता है जिन्हें देखना नामुमकिन है। ये हमें उस रहस्यमय दुनिया में ले जा रहा है जो सूर्य से एक प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ इतनी सारी दुनियाएं कैसे हैं? क्या ऐसा दूसरे ग्रह के निवासियों की वजह से है? जी नहीं, ग्रेविटी की वजह से। ये गुजरे जमाने की बर्फ है, बर्फ और पत्थरों के तैरते पहाड़ जो सौर मंडल बनने के दौरान बचे रह गए थे। इन्हें ऑट क्लाउड कहा जाता है, डच एस्ट्रोनॉमर यान ऑट के नाम पर, जिन्होंने 1950 में इनके बारे में बताया था। वो एक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। धूमकेतु कई तरीकों से खत्म हो सकता है। वो चूंकि ग्रहों के घूमने के रास्ते में आ जाते हैं, इसलिए अक्सर उनसे टकराते भी रहते हैं। धूमकेतु का ज्यादातर हिस्सा बर्फ होता है, इसलिए जितनी बार भी वो सूर्य के पास आते हैं उनका कुछ हिस्सा भाप बनकर उड़ जाता है। हजारों बार ऐसा होने पर बर्फ पूरी तरह खत्म हो जाती है और धूमकेतु एस्टेरॉयड में बदल जाते हैं।
ग्रेविटी की वजह से धूमकेतु सौर मंडल से बाहर फेंक जाते हैं और अंतरिक्ष में भटकने लगते हैं। फिर भी न जाने कैसे धूमकेतु वापस आते रहते हैं। और तो दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स के सामने सवाल था, ये सारे धूमकेतु आते कहां से हैं? ऑर्ट ने नए धूमकेतुओं के आने की रफ्तार का पता लगाकर ये दावा किया कि वो एक बड़े गोलाकार बादल की शक्ल में होंगे जो कुछ प्रकाश वर्ष दूर सूर्य को चारों ओर से घेरे होंगे। धूमकेतुओं और सौर मंडल के बारे में हमने इन दशकों के दौरान काफी नई खोजें की हैं। इसके बावजूद ऑर्ट का दावा अब भी बरकरार है, मगर ऑर्ट क्लाउड एक ऐसा नजारा है जो कभी किसी ने नहीं देखा, ना हम देख सकते हैं। इतना अंधेरा जो है, और एक धूमकेतु अपने नजदीकी धूमकेतु से उतना ही दूर है जितना पृथ्वी से शनि। मगर विज्ञान हमें अलग ही किस्म की ताकत देता है, इसी की वजह से जान ऑर्ट ये भविष्यवाणी कर पाए। ऑर्ट ने ही सबसे पहले सूर्य और हमारी गैलेक्सी के केंद्र के बीच की दूरी का सही अंदाजा लगाया था। ये एक बड़ी बात थी, इससे पता चला कि हम मिल्की वे में कहां पर हैं। हमारा तारा मिल्की वे के केंद्र से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ऑर्ट ने ही सबसे पहले रेडियो टेलीस्कोप के जरिए गैलेक्सी के स्पाइरल स्ट्रक्चर को देखा था, और उन्होंने ही पता लगाया था कि हमारी गैलेक्सी के केंद्र में जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। यही सोर पहला इशारा था कि वहां एक बहुत बड़ा ब्लैक होल भी बन सकता है। अजीब बात है कि हम बदनाम कातिलों को तो जानते हैं, मगर यान ऑर्ट का नाम तक नहीं सुना। कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? ऑर्ट क्लाउड इतना बड़ा है कि इसके एक धूमकेतु को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 10,00,000 साल लग जाते हैं। सौर मंडल के इतने बाहरी छोर पर पास से गुजरते किसी दूसरे तारे की ग्रेविटी का हल्का सा खिंचाव भी इनमें से कुछ धूमकेतुओं को सूर्य की ग्रेविटी की पकड़ से आजाद कर सकता है। कुछ धूमकेतु सौर मंडल से बाहर फेंक कर तारों के बीच भटकते रहते हैं, मगर कुछ की किस्मत इससे अलग होती है। ये सूर्य की तरफ बढ़ रहा है बिना रुके, लगातार तेज होती रफ्तार के साथ। ये फ्री फॉल लाखों साल तक होता रहता है। जब नेपच्यून की ग्रेविटी से अपनी ओर खींचती है तो इसका रास्ता थोड़ा बदल जाता है। फिर सूर्य के बाद दूसरी सबसे भारी भरकम चीज यानी विशाल बृहस्पति भी धूमकेतु को अपनी ताकतवर ग्रेविटी से खींचता है और उसका रास्ता बदल देता है। जब यह धूमकेतु हमारे सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचता है तो सूर्य की गर्मी इसे तपा देती है। एक दिलकश बदलाव शुरू होता है। रूखा सूखा आइसबर्ग एक चमकदार गोले में बदल जाता है जिसकी एक पूंछ भी होती है। ये परतें बताती हैं कि धूमकेतु कैसे बने थे करीब 4 अरब साल पहले। इंसान की 40,000 पीढ़ियों के दौरान कम से कम 1,00,000 बार तो चमकदार धूमकेतु दिखा ही होगा, और हर बार हम सिवाय आसमान को ताकने के कुछ और नहीं कर सकते थे। पृथ्वी की सरहदों में कैद इंसान इन्हें देखकर या तो डरता था या इन्हें अपनी ही गलतियों का नतीजा मानता था। मगर तभी दो लोगों के बीच दोस्ती शुरू हुई जिसने इंसानी सोच को पूरी तरह बदल डाला। आइजैक न्यूटन और एडमंड हैली को शायद अंदाजा भी नहीं होगा, मगर उनकी दोस्ती ने आखिरकार इंसान का इस छोटी सी दुनिया के दायरे से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया। सोलह के धूमकेतु ने पूरे यूरोप को डरा दिया, और ये डर वाजिब भी मालूम हुआ क्योंकि ठीक इसी के बाद प्लेग फैला और लंदन में जबरदस्त आग लगी। लंबे खून से सने बालों वाला एक चमकता हुआ सितारा दुनिया पर अकाल, प्लेग और जंग का खतरा लेकर आया है। बादशाहों के लिए ये मौत का पैगाम है।
जो सल्तनतों को कब्रिस्तान में बदल देगा और चारों ओर बर्बादी का मंजर होगा। पालतू जानवर मरेंगे, किसानों की फसलें खराब होंगी, समुद्र में तूफान उठेंगे और शहरों में दंगे फसाद होंगे। मगर एक बच्चे को धूमकेतु से जरा भी डर नहीं लगा। उसे तो ये बड़ा मजेदार नजारा लगा। हम सब की तरह एडमंड हैली को भी नई चीजों में दिलचस्पी थी। वो किस्मत वाले थे कि उनके पिता ने उनकी दिलचस्पी को और आगे बढ़ाया और उन्हें बेहतरीन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स खरीद कर दिए। यहाँ तक कि दक्षिणी गोलार्ध जाकर तारों का पहला नक्शा बनाने के लिए उन्हें पैसे भी दिए। हैली ने 20 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया और जहाज के रास्ते अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास भूमध्य रेखा के निचले हिस्से में सेंट हेलेना नाम के टापू पर पहुंच गए। मुश्किल ये हुई कि किसी ने हैली को बताया ही नहीं था कि सेंट हेलेना का मौसम आम तौर पर खराब ही रहता है। पूरा नक्शा बनाने लायक दक्षिणी गोलार्ध के तारे देखने में उन्हें पूरे 12 महीने लग गए। पुराने ग्रीक नायकों और देवताओं के साथ अब नई दुनिया के प्रतीकों को भी आसमान में जगह मिल गई, जैसे कि टूकैन, कंपस और बर्ड ऑफ पैराडाइज। जब हैली दक्षिणी गोलार्ध के आसमान का नक्शा लेकर वापस लौटे तो एक सनसनी फैल गई। अब कारोबारी और खोजबीन करने वाले तारों की मदद से दुनिया में कहीं भी रास्ता ढूंढ सकते थे। उन दिनों रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से मंजूरी मिलने के बाद ही वैज्ञानिक खोजों को सही माना जाता था। उसका आदर्श वाक्य था न्यूलियस इन वर्बा। ये वाक्य वैज्ञानिक तरीके का निचोड़ है। लैटिन में इसका मतलब होता है खुद देखो तो मानो, दूसरे शब्दों में सवाल उठाते रहो। हैली के तारों के नक्शे ने सोसाइटी के क्यूरेटर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। काश मैं उनकी तस्वीर आपको दिखा पाता, मगर रॉबर्ट हुक का कोई पोर्ट्रेट मौजूद नहीं है। हालांकि उनके समकालीनों ने उनके बारे में बताया है, उनको दुबला, झुकी कमर वाला और बदसूरत बताया। वो हद से ज्यादा खोजी प्रवृत्ति के इंसान थे। ऐसी शक्ल सूरत के बावजूद लंदन की हर पार्टी उनके बगैर अधूरी मानी जाती थी। क्यों? हुक को हर मामले में इतनी दिलचस्पी थी कि वो कुछ भी छोड़ते नहीं थे। हुक ने एक छोटे से कॉस्मोस की खोज की थी और हम अब भी इसे उन्हीं के दिए नाम से जानते हैं, द सेल। हुक ने सेल की खोज कॉर्क के एक टुकड़े को अपने ही इजाद किए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए देखकर की थी। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के कुछ पहलुओं का अंदाजा उन्होंने 200 साल पहले ही लगा लिया था। हुक ने टेलीस्कोप को भी बेहतर बना दिया था। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखकर उन्होंने जो ड्राइंग्स बनाई वो उनकी पारखी नजर की ही मिसाल है। सन 1666 की जबरदस्त आग में जब सेंट्रल लंदन तबाह हो गया तो हुक ने आर्किटेक्ट क्रिस्टोफर रेन के साथ मिलकर शहर को दोबारा डिजाइन करके बसाया। हुक अपने जमाने के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। कॉइल्ड स्प्रिंग्स की मदद से उन्होंने लॉ ऑफ इलास्टिसिटी की खोज की, जिसे आज हुक्स लॉ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एयर पंप में सुधार किया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, और उसकी मदद से सांस लेने और आवाज से जुड़े प्रयोग किए।